ग्वालियर पुलिस 33 साल पहले व्यापारी दंपति की हत्या कर 80 लाख रुपए का सोना लूटने वाली राजस्थान की गैंग के जिस बदमाश को फरार मान रही थी वो बदमाश तमिलनाडु की बेल्लोर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ग्वालियर पुलिस ने 1988 में हत्या और डकैती के आरोपी को खोज निकाला। ग्वालियर पुलिस आरोपी को लेने के लिए आर्म्ड फोर्स के साथ जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ग्वालियर में 16 मई 1988 को शहर के व्यापारी रमेश चंद गोयल और उनकी पत्नी बसंती गोयल की हत्या हुई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी 80 लाख का सोना लूट कर ले गए थे। करीब 33 साल पहले हुए इस हत्याकांड के एक आरोपी को कुछ साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और लूट का माल भी बरामद किया था। वहीं दो आरोपी फरार चल रहे थे। लंबे समय तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई पुलिस तो रमेश चंद गोयल के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस वक्त कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस इस मामले में हर 3 महीने में जिला कोर्ट में एक्शन की रिपोर्ट पेश करे। इतने अरसे में ग्वालियर थाने में मामले की जांच में करीब 30 पुलिस ऑफिसर बदल गए। गोयल के परिजनों ने साल 2015 में अवमानना याचिका दायर की, जब इस मामले में कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी ग्वालियर थाना दीपक यादव को तलब किया, फटकार लगाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की छानबीन की, उनकी तलाश में राजस्थान भरतपुर पहुंची। यहां पता लगा कि आरोपी लक्ष्मण बेहद खतरनाक है, अभी तमिलनाडु की बेल्लोर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश कर बताया, लक्ष्मण खतरनाक आरोपी है, अभी उसे पुलिस नहीं ला सकती, उसे लाने के लिए आर्म्स फोर्स की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट से उसका वारंट जारी हो गया, तमिलनाडु पुलिस को इसकी सूचना दी है, 24 दिसंबर को उसे हाजिर करने के लिए कहा गया है। सर ये कौन से वर्ष का मामला है? 1988। सर ये किस तरह का एक बड़ा मामला है? थाना ग्वालियर में वर्ष 89 में एक हत्या संग डकैती हुई थी, जिसमें थाना ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी के घर में रात्रि के समय कुछ आरोपियों द्वारा व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी और सामान लूट डकैती किया था। उसी प्रकरण में जो आरोपी गण थे उनकी गिरफ्तारी तमिलनाडु में हुई और तमिलनाडु जेल से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों को लेने के लिए टीम गई हुई। आरोपियों का वारंट पहले भी जारी हुए थे, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं आ पा रहे थे। द्वारा हमने संपर्क किया तो कोरोना काल के कारण नहीं आ पाए और अब हमने तीसरी बार टीम लगाई। एक आरोपी उसमें एक्सपायर हो चुका है, जो आरोपी मुख्य है वो जेल में बंद उम्र कैद के मर्डर के केस में। हाँ, उसके आरोपी 3-4 वांटेड थे जो समय समय पर उनकी न्यायालय में पेशियाँ हुई हैं। सर 90 के बाद एक आरोपी की 2000 के लगभग पेशी हुई है और अब जो आरोपी लेने गए उनमें मुख्य आरोपी ओमी उर्फ ओमा वो खत्म हो चुका है और उसके सहयोगी को लेने के लिए टीम गई हुई। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।